दोस्तों, क्या आपने माँ काली के एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ माता को पसीना आता है? यहाँ मंदिर में 2400 घंटे एसी चलता ही रहता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर माँ काली की मौजूदगी का एहसास होता है, और यही कारण है कि यहाँ पर रात में रुकने और सोने की मनाही है। इस मंदिर की मूर्ति पर शोध भी हुए है, पर नतीजा कुछ भी हाथ नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में, और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय जबलपुर में स्थित काली माई मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सदर क्षेत्र में काली माता का एक अनोखा मंदिर है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण 600 वर्ष पूर्व गोंडवाना साम्राज्य के समय पर किया गया था। तब से यहाँ पर काली माता की पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के आसपास पूजन सामग्री और प्रसाद बेचने वालों की दुकानें अवस्थित है। कहा जाता है कि ये दुकानें लगभग 200 से 300 वर्ष पुरानी है। दुकानदारों का कहना है कि उनकी पांचवी पीढ़ी यहाँ दुकान लगाती आ रही है। कहते हैं कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में जबलपुर स्थित मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित मंदिर में काली माता की प्रतिमा स्थापित की जानी थी। इसके लिए मंडला से काली माता की प्रतिमा के साथ शारदा माता की भी प्रतिमा लेकर एक बैलगाड़ी पर काफिला रवाना हुआ। काफिला जब जबलपुर के सदर क्षेत्र से गुजरा तो बैलगाड़ी रुक गई। बहुत प्रयासों के बाद भी वो आगे ना बढ़ सके। कोई चारा न दे काफिला ने वहीं पर रात गुजारने का निश्चय किया। अगली सुबह जब काफिला वहां से आगे बढ़ा तो एक बच्ची ने बताया कि माँ काली ने उन्हें सपने में दर्शन देकर उनकी प्रतिमा वहीं स्थापित करने का आदेश दिया। बच्ची के कहे अनुसार काली माता की प्रतिमा उसी स्थान पर तालाब के बीचों बीच स्थापित कर दी गई। बाद में वह मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। दोस्तों, इस मंदिर में स्थापित माँ काली की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ माँ काली को पसीना आता है। मंदिर के पुजारी और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि काली माई की प्रतिमा गर्मी सहन नहीं कर पाती। गर्मी बढ़ने पर उन्हें पसीना आने लगता है। गर्मी से राहत के लिए भक्तगण ने मंदिर में एयर कंडीशनर लगवा दिए हैं, लेकिन जब भी बिजली ना होने की वजह से एसी बंद हो जाता है और गर्मी बढ़ जाती है तो काली माई की प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसके कारण का पता आज तक नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के कारण का पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर वे नाकामयाब रहे। अब इसके पीछे का कारण चाहे कुछ भी हो, पर काली माई के प्रतिमा से पसीना आना वर्षों से जारी है। भक्तगण भी इस घटना को खुद देखने के लिए घंटों में लाइन पर लगे रहते हैं। लोगों का मानना है कि काली माई मंदिर में हर समय काली माता की मौजूदगी का एहसास होता है, इसी कारण रात के समय यहाँ रुकने या सोने की मनाही है। दोस्तों, अगर आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बोलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।